ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि मंडे को एक SGX निफ्टी पर गैप अप दिखा रही है, लेकिन हमें बाइंग भी जाना है तो कॉशियसली बाइंग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा व्यू मॉर्निंग में था कि साइडवेज टू बुलिश की तरफ जाएगा, लेकिन मैंने लिख दिया था कि वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा वेट करना है। और डेटा आपका पहली सेकेंड टिक से आपका नेगेटिव होना चालू हो गया था। ठीक है, अभी चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कल क्या हो सकता है। ये अपना मार्केट में टिपिकल डे जो होता है, ठीक है, गैप अप खुलता है, जो बायर्स हैं उनको प्रॉफिट दिखता होगा और वो अपना प्रॉफिट आके बुक करते हैं, करेक्ट। वो चीज़ था यहाँ पे समवेयर अराउंड, मार्केट ने एक कोशिश की थी पॉजिटिव बनने की और लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाए। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा पेन में आ गई थी, उसके बाद मार्केट फ्री फॉल दिखाए अगेन। यहाँ पे दिस इज योर SL हंटिंग, करेक्ट। SL हंटिंग फॉर होम, जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं या फिर शॉर्ट फ्रेश, यहाँ पे कहीं किसी ने शॉर्ट किया होगा उनका SL हिट हुआ होगा, देन अगेन मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, डेटा आपका पॉजिटिव नहीं हुआ था, ये अच्छी चीज़ थी, इसीलिए हम लोग इस पर बाय की तरफ नहीं जा रहे थे। याद रखना, जब भी डेटा और प्राइसेशन दोनों साथ में मिल जाएंगे ना, तो आपको ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ इसकी कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, मार्केट में समवेयर अराउंड इस जगह पे ही आपका एक सपोर्ट लिया है 17,775, 17,800, बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 17,850 की मैं बात करता हूँ, तो ये यहाँ का आज का लो था। अगेन इसका नीचे जाना शुरू करेगी तो हम लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे। एक चीज़ और याद रखना, जो चीज़ मैं अभी इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ वो क्या, मार्केट क्या करती है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल को बुलिश बना देती है, ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे जाना शुरू करती है। तो हो सकता है कि इसके नीचे एक ब्रेकडाउन मिल जाए। ठीक है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद फिर मार्केट, आपको लगे कि मार्केट हैज फिर शॉर्टिंग की बन रही है, एंड देन मार्केट रिवर्स होकर वापस से ऊपर आ जाए। तो वो चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है, उसके लिए आपका जो डेटा होगा, आप 9:30 बजे के बाद ट्रेड लो, 9:15 से 9:30 के बीच में ही ज़्यादा आपका दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ है। बाइंग की साइड अपने को किधर का दिखेगा, आप देखो कहाँ है, मार्केट नीचे आया, देन आपका ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर गया। यहाँ पे आपके सबके SL होंगे, वो कौन सा लेवल आ रहा है आपका, 17,950 से 960 के ऊपर आपको। ठीक है, बाइंग तभी भी हम लोग कम क्वांटिटी में जाएंगे, सेलिंग ज़्यादा में जाएंगे। ठीक है, जो हमारा टिपिकल डेज चल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसका, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा दूँ तो कैसा हो रहा है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जो FIIs है ना, जब तक वो सेल करते रहेंगे बुल रन नहीं आएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि रिटेलर्स जो होते हैं, DIIs जो होते हैं, वो आपकी मार्केट को संभाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश बुल रन तभी आएगा जब FII आपके आएंगे। ठीक है ना, तो जबरदस्ती का अननेसरी हम लोग मार्केट में नहीं कि अब बुल रन आएगा, अब तेजी आएगी, अब तेजी आएगी, वो सब नहीं देखना है, वो सब आपको प्राइस बता देगा। ठीक है, एक बार ऑप्शंस का डेटा देखें, थोड़ा सा आइडिया और लग जाएगा। मैक्सिमम आपकी कॉल रेटिंग कहाँ पे हुई है, 53,18,000 पे। ठीक है, देन 13 लैख, 24 लैक्स। पुट राइटिंग की बात करता हूँ तो यहाँ से आपके पुट राइटर्स भागे हैं, थोड़ा सा आपका जो बेयरिश की तरफ आपको साइन मिलता है। ठीक है, इंट्राडे में बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो आप बोथ साइड की तरफ भी प्लान कर सकते हो। बस ये याद रखना, बाइंग की साइड कम क्वांटिटी में, सेलिंग की साइड फुल क्वांटिटी में, वैसा करके। ठीक है, ऊपर आपकी ह्यूज कॉल रेटिंग्स है, मतलब 22 लैख, 44 लैख, 14 लैख, 17 लैख, 16 लैख, अच्छी क्वांटिटी में आपकी कॉल्स राइटिंग हो रखी है। पुट्स आपके यहाँ पे भी फंसी हुई, तो डेटा आपका जो है वो नेगेटिव की तरफ ही बायसनेस दिखा रहा है। ठीक है, अगर कल गैप डाउन खुलेगा तो याद रखना, फिर हम लोग रिवर्सल को प्लान करेंगे। जैसे आज अगर मान लो गैप अप खुला था, उससे प्री मैं दिखा देता हूँ एक बार चार्ट पे आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, एक दिन पहले आपका मार्केट में तेजी आई थी, गैप अप खुला, प्रॉफिट बन गई, यहाँ पे आपकी शॉर्टिंग बनी, गैप डाउन खुला, फिर आप एक रिवर्सल को प्लान कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक बार और देखते हैं, उसके बाद उसका भी डाटा देखेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा वीक लग रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। नीचे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आपके 17,000, निफ्टी के अंदर 17,777, 778 का है, और वही इसमें लेवल आ रहा है 41,800 का। ठीक है, जब उसके बाद फिर आपको फ्रेश लॉन्ग्स नहीं रखने हैं 41,800 के नीचे। ठीक है, इसमें अगर आप बात करोगे तो क्या है मार्केट में, वही सेम चीज़, यहाँ पे आपके बायर्स बैठे थे, ऊपर खुला, खुलते प्रॉफिट देखा, मार्केट नीचे आया, देन आपका इस तरीके से। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी, इसमें थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बाइंग की साइड अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड और भी करेंगे बाइंग की साइड पर। ठीक है, करना है तो इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होने पर हाफ क्वांटिटी में स्कैल्पिंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इस लेवल के नीचे अगेन सेलिंग की तरफ मिलेगा टुवर्ड्स आपको 41,800-850 के आसपास। ये कौन सा आज का स्विंग लो जो आ रहा है आपका, 42,140,050 के नीचे। ठीक है, 42,000 आज भी इसने सपोर्ट लिया था, 42,100 हमारा शीट पे लेवल क्या आ रहा था, 150 के आसपास। ठीक है,
तो वहीं से उसने सपोर्ट लिया। अब वो सपोर्ट तोड़ेगा तो आपको फिर नीचे को देखने को मिलेगा, ठीक है। गैपअप का केस, सिर्फ एक ही केस को ये एनालिसिस को आप इग्नोर कर देना है जब आपका केस अगर गैपअप का लगे, ठीक है। गैपअप का केस लगता है तो फिर हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, फिर ये सब नहीं देखेंगे। गैप डाउन लगेगा तो हम ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी को ना यूज करके एक रिवर्सल को प्लान करेंगे गैप डाउन के केस में, ये ध्यान रखना ही बात है। ये सब चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सुन लो। अगर गैप डाउन लगा, आपकी ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन दे दिया स्ट्रेटेजी ने, ठीक है, उसके बाद कभी भी रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये आपके बैठे हैं शॉर्ट सेलर्स, ठीक है। वो शॉर्ट सेलर्स जब बैठेंगे तो कभी भी शॉर्ट कवर करने आएंगे तो आपको एक एसएल हिट हो सकता है उस केस में। इसलिए अगर गैप डाउन का केस होगा वेट करेंगे, सेकंड हाफ में अगर मिले कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा छोड़ देंगे, तो रिवर्सल प्लान करेंगे। गैप अप खुलेगा तो ये सारे आपके ट्रैप हो जाएंगे, फिर उस केस में आप हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को लगा सकते हैं। इसका मैं अकबर और ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपकी ह्यूज कॉल रेटिंग है 42,500। ये आपका वीकली हर्डल भी बनाने को काम करेगा, मतलब जो अपकमिंग वीक है, जो अपकमिंग वीक आने वाला है, अगर उसमें आपको शॉर्ट कवरिंग अप साइड की देखनी है तो मैं बता दूँ उसका लेवल क्या होगा। 42,000 यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा कॉल्स बैठे हैं, ठीक है। इसमें आप ये ऐड कर दो तकरीबन 250, यानी 42,750। बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग इसी के ऊपर आएगी, फिर हम लोग होल्ड करेंगे बाइंग साइड को ट्रेल कर रखते हुए, ठीक है। अगर नीचे की बात करता हूँ तो इसमें यहाँ पे आपके पुट्स हैं, कोई खास क्वांटिटी में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे से सारे पुट राइटर्स भागे हैं और नीचे भी पुट्स आपकी खास क्वांटिटी में नहीं, तो डेटा आपको बेयरिश दिख रहा है। गैप डाउन के केस में हम लोग, आपको याद होगा फ्राइडे को डेटा बुलिश था, ठीक है, गैप अप लगा प्रॉफिट बुकिंग आई, तो उनको अपोजिट कर दो, ठीक है। साइकोलॉजी तो प्राइस की वही रहेगी ना, तो उस चीज़ को अपोजिट कर देना तो वैसा दिन रिपीट हो सकता है। फिर अगर गैप डाउन लगा तो वैसा दिन रिपीट हो सकता है जैसा आज का था, ठीक है, बट रिवर्सल ऊपर की साइड की तरफ, ठीक। फिर भी जैसा कि डेटा बना है, डेटा आपका थोड़ा सा बेयरिश की साइड है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना जो ट्रेड लें वो बाइंग की साइड क्वांटिटी कम रखे हैं। अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं चल के, फिर उसको डिस्कस करते हैं। जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पे देता हूँ वो सारे आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई रिसर्च एडवाइस वो नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट और टेक्निकल्स पढ़ाने के लिए बताता हूँ, ठीक है। मार्केट में एक फॉल आया, ठीक, दिस इज योर समवेयर अराउंड डब्ल्यू बटन बन रहा है, ठीक है। अब ये बेरिश में भी कन्वर्ट हो सकता है, बेरिश फ्लैग भी बन सकता है, आप इस तरीके से लाइन खींच सकते हो, ठीक है, और ये बुलिश में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो आपको बोथ साइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जिस तरीके से सिग्नल बनता है, ये आपका एक रेंज बनी हुई है, ब्रेकआउट मिलेगा एक कैंडल क्लोज होने देना इसके हाई तोड़ने के बाद, ठीक है। तो अगर ऊपर खुलता है फिर आप ओपनिंग स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका इन्फोसिस का। नाउ आईटी पूरा एज अ सेक्टर ही जो है आपका थोड़ा सा बुलिश साइड में दिख रहा है ना। आईटी सेक्टर के अंदर आपके जितने भी अभी लार्ज है, जैसे टीसीएस है, ये है, विप्रो, सब आपके तेज दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका एक मार्केट का कंसोलिडेट हुआ था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। यहाँ से हमारा एक ब्रेकडाउन आया था, हमने पैटर्न बनाया था, मार्केट नीचे आया, उसके बाद अभी यहाँ पे आपका अपसाइड में। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे, अगर आप इसकी वन डे की कैंडल ड्यूरिंग द डे खोलते रहना, कोई एक नेगेटिव कैंडल बन रही हो तो यहाँ पे आपको छोटी से सेल के साथ शॉर्ट को मिल जाएगा। वेरियस अगर इसके पार निकलती है, जो अखी लेवल आ रहा है आपका 15,536, तो आपको फिर अगेन 1545-50 तक के अभी आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका पावर ग्रिड का। अब इसमें अगर आप देखोगे ऊपर से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, यहाँ से समवेयर अराउंड इस जगह से ऐसे करोगे तो ये आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और इस कैंडल ने इसको रीटेस्ट भी किया है, तो ये यहाँ पे अगला मूव, यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन का एरिया है ना, इसको क्रॉस करेगी तो आपको एक अपसाइड फर्दर मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है वो आता है आपका नौकरी का, जो कि इन्फो एज भी है। एक चीज़ याद रखना, बॉटमिंग के एक सिग्नल्स होते हैं, ठीक है ना, वो सिग्नल जैसे आपका डबल बॉटम होता है, नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है, वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे एक शार्प सेलिंग आई, मार्केट ऊपर गया, बेरिश फेलिंग में कन्वर्ट हुआ, देन ऊपर गया। अब अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन, दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको कंसोलिडेट कर रहा है, दिस इज योर सम काइंड ऑफ हैंगिंग मैन कह सकते हो, हैमर कह सकते हो। इसके लो टूटने पे हम लोग फिर से शॉर्ट पे जाएंगे, और इसके हाई टूटने पे हम लोग फिर से बाइंग पे जाएंगे। इंट्राडे में भी आपको मूवमेंट मिल सकता है इस केस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।